नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सिंघवी ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि स्वाति मालीवाल ने घटना के 3 दिन बाद क्यों FIR दर्ज कराई, लेकिन वही विभव की शिकायत उसी दिन दर्ज नहीं की गई। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने विभव कुमार इस तरह आचरण किया जैसे कोई गुंडा मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुस गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कुमार के वकील से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री आवास निजी बंगला है, क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा, इस भूस्खलन ने अनगिनत जिंदगियों पर कहर बरपाया, ऐसे में वायनाड के लोगों का हर संभव मदद करना आवश्यक है। कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर ने गृह मंत्री अमित शाह से वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी। बता दें कि मंगलवार को मेपाड़ी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में आए भूस्खलन में अब तक 173 लोगों की मौत हो चुकी। वहीं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सेना का राहत व बचाव कार्य जारी है। जगदीप धनखड़ ने बुधवार को RSS पर टिप्पणी करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि यह राष्ट्र की सेवा में लगा संगठन है और संगठन से जुड़े लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। अब इसी बयान पर कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा राज्यसभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कसीदे पढ़े जाने पर सियासी विवाद गहरा गया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने धनखड़ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उच्च सदन के सभापति का बयान परंपरा के बिल्कुल उलट है। इस तरह की राय एक सदस्य रख सकता है मगर सभापति नहीं। भाजपा नेता CR केसवन ने कहा कि राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड का बार बार दौरा करते हैं और जमीन पर ध्यान देते हैं और क्षेत्र में भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याओं को समझते और निवारक उपाय करने के लिए सक्रिय कार्रवाई करते तो इससे क्षेत्र को कोई फर्क पड़ गया होता। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सेना का राहत व बचाव कार्य जारी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ वायनाड में आज पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के दौरे पर भाजपा प्रवक्ता CR केसवन ने प्रतिक्रिया दी। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में युवती से हुई अभद्रता मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। GCP पूर्वी समेत ADCP और ACP को हटा दिया गया। वहीं 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के बाद हुई शर्मसार करने वाली घटना पर गहरी नाराजगी जताई। CM योगी के निर्देश पर शासन ने मामले में लापरवाही बरतने वाले DCP पूर्वी, ADCP पूर्वी और ACP गोमती नगर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। बीती शाम दिल्ली में हुई बारिश की वजह से नई संसद भवन के अंदर पानी का रिसाव देखने को मिला, जिसका वीडियो कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने एक्स पर साझा किया। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि नई संसद से अच्छी तो कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लिखा कि बाहर पेपर लीकेज, अंदर वाटर लीकेज। राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली संसद लॉबी में हाल ही में पानी का रिसाव नए भवन में मौसम संबंधी समस्याओं को उजागर करता है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते थे कि उनकी सरकार में अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश से बाहर चले जाएंगे, जो असत्य निकला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री लाख दावे करें लेकिन हकीकत में अपराधियों को पुलिस का भय नहीं रह गया। आए दिन दबंगों द्वारा कब्जे, अपहरण, लूट और महिला अपराध के मामले सुर्खियां बटोरते हैं। उन्होंने बयानबाजी कर कहा कि जौनपुर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। 3 महीने पहले उसके पिता की भी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। सपा सदस्य स्वामी ओमवेश गन्ना किसानों की जूना पैकिंग कटने के नियम को समाप्त कराने के लिए सरकार से सवाल कर रहे थे। वह काफी देर तक अपना प्रश्न पूरा नहीं कर सके तो अधिष्ठाता ने उनका माइक बंद करा दिया। इससे वह नाराज हो गए। नेता प्रतिपक्ष को भी उन्हें समझाना पड़ा लेकिन वह अपनी बात पूरी करने पर अड़े रहे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को बोलना पड़ा कि यह व्यवस्था ठीक नहीं। हालांकि इस दौरान पूरा सदन ठहाके से गूंजता रहा और स्वामी ओमवेश लगातार बोलते चले गए।
मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। एक बार फिर कंगना का पोस्ट वायरल हो गया। इसमें वे राहुल गांधी पर तंज कसती नजर आई। कंगना ने अपने हालिया पोस्ट में लोकसभा में राहुल गांधी की जाति संबंधी टिप्पणी पर तंज कसा। दरअसल बीते दिनों राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें गाली दी और अपमानित किया। अब कंगना ने राहुल गांधी का पुराना वीडियो अपनी इंस्टा स्टोरी पर साझा किया, जिसमें वे लोगों से जाति पूछते नजर आए। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट स्टोरी पर अपनी बेटी मालती के साथ एक शानदार तस्वीर साझा की। इस पल को लेकर प्रियंका कितनी भावुक हो गई कि उन्होंने इस पल को असाधारण बताया। लेकिन जब भी शूटिंग से समय मिलता है वह अपनी बेटी के साथ टाइम बिताती हैं। इसी दौरान प्रियंका की बेटी मालती ने कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से प्रियंका बेहद ही भावुक हो गई और उन्होंने उस पल को कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम की स्टोरी में साझा की। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ।